two positive integers p and q can be expressed as p is equal to ab square and q is equal to a square b, and a and b are prime numbers. What is the LCM of p and q? तो अब हमें पता है a और b क्या है, prime numbers है, तो हम क्या करते हैं p को इसके prime numbers के multiplication की form में represent करते हैं. तो p क्या है, a b square. तो a b square है, तो इसमें हम देखेंगे तो यहाँ से इसके prime factors क्या हो जाएंगे, a into b इसके prime factors जाएंगे. Similarly q के लिए इसके prime factors क्या जाएंगे, q के लिए it is equal to what, q क्या है हमारा, a square b है, तो prime factors क्या जाएंगे इसके, a into b. Now अब अगर हम देखेंगे LCM क्या होता है, LCM होता है किसी भी prime number की maximum power जो होती है किसी भी number में वो. तो अगर हम देखेंगे एक प्राइम नंबर है और a की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों में से कौन सी पावर ज्यादा है, a की 2 ज्यादा है, तो ऑब्वियसली एलसीएम में क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा. एंड देन सिमिलरली फॉर अनदर प्राइम नंबर b, यहाँ पे b की पावर 1 है और p में b की पावर क्या है, 2, तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आएगा, बिकॉज़ b स्क्वायर इज ग्रेटर देन b, बिकॉज़ b इज प्राइम नंबर. तो हमारे पास जो मैक्सिमम पावर वाले टर्म्स है वो क्या है, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर दोनों टर्म्स में. फर्स्ट टर्म में p में क्या है, b स्क्वायर है, और q में a स्क्वायर है, तो एलसीएम क्या गया, a स्क्वायर b स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.